तो जैसे कि देख सकते हो ये रहा इलेक्ट्रिक ऑफिस, हम इलेक्ट्रिक ऑफिस आए थे और जो कि हम लोग का काम हो चुका है, हम और फादर अभी जाने वाला है। ये देख सकते हो गैस का गाड़ी, जितने सारे लोड बना पड़ा हुआ है गैस का नया। ये तो नया कनेक्शन नहीं है बट ये ओल्ड कनेक्शन है, बुक जो कि खो गया था इसके लिए हम लोग नया बुक ले चुके हैं। देख रहे हो ना मिस्त्री का काम, ऐसा ऐसा काम किया है ना भाई, पूछो मत मिस्त्री को, पूरा दिन नहीं था, अभी देख रहे हो ना काम कैसा किया है। और जो नहाने के समय मतलब ये सब काम में आता है, और चिरुनी, एक चिरुनी लिया, और कुछ चाहते हो? तो गाइस और एक नई ब्लॉग वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं जाने वाला हूं इलेक्ट्री ऑफिस, क्योंकि भाई उस टाइम क्या हुआ था, कल की डेट पे मेरे फादर नहीं गया था, इसी वजह से काम नहीं हुआ था। फिर रेसिडेंट चाहिए होता था, तो रेसिडेंट फाइनली मेरे को रिसीव हो चुका है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगा है चलो मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। इस थैली में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रहा कुछ फॉर्म, ये मैंने एक्स्ट्रा फॉर्म लिया हुआ है, इसको मैं आपको साइड में रखता हूँ, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और ये रहा फॉर्म को मैंने पूरा फिल कर चुका हूँ, कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह है, इसको मैं आपको नहीं दिखाना चाहूंगा। ये रहा देख सकते हो यहाँ पर कुछ डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हो लैंप कितना जलाओगे, एसी है, कनेक्शन, वाटर पंप, यहाँ पर लाइट, फैन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, जो कि आप पूरा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे फादर के नाम पे है, और जैसे के लिए लगता है आपका पैन कार्ड का फोटो, आधार कार्ड का, यहाँ पर जेरॉक्स वगैरह लगता है, और आपका जो दलील रहता है ना उसका पूरा पूरा आपको उसका जेरॉक्स लगता है, ठीक है। तो वो भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और आज सुबह फिर से बाजार गया था, एंड बाजार जाने के बाद यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंटेशन लगा है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट होता है, मैंने वो भी यहाँ पर निकाल के ले आ चुका हूँ, ठीक है। जैसे देख सकते हो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिल चुका है, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा का सारा जो कागज रहता है कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं और मेरे फादर जाने वाले हैं फिर से मेरे उस फिर से इलेक्ट्रिक ऑफिस जाएंगे, फिर से जाने के बाद इसको अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए लोग आएंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आएंगे। और इस करते करते बोल रहा है कि मैंने बात किया, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों ने बोल रहा है लगभग एक महीने तो लग ही जाएंगे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं जितना सारा प्रोसेस है मैं करके लेकर रख लेता हूँ। और जो कि मैंने आज सुबह से भाई कुछ नहीं खाया, पता है कुछ नहीं, अभी टाइम देखो 11 बज चुके हैं और कुछ नहीं खाया भाई, अभी नहाया भाई नहीं, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं किया, ठीक है। सुबह से मतलब जब से सोया उठा हूँ तब से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ट्रेडिंग का काम था तो वो भी मैं कर रहा था, ठीक है। वीडियो वगैरह बना रहा था, कर रहा थी मैंने, जो कि आपको वीडियो बनाया था, आपने देखी होंगे कहीं ना कहीं। चलो क्या कुछ प्रोसेस रहता है, जहाँ जाने वाला हूँ उसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, तो बने रहिए पूरा। तो जैसे कि देख सकते हो ये रहा इलेक्ट्रिक ऑफिस, हम इलेक्ट्रिक ऑफिस आए थे और जो कि हम लोग का काम हो चुका है, हम और फादर अभी जाने वाला है अभी और एक कामों के लिए, जो कि जितने सारे डॉक्यूमेंट्स था हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो कि कंप्लीट करना हो चुका है, अभी देखते हैं, बोल रहा है एक महीने समय लग जाएगा, तब तक हम यहाँ से वेट कर लेते हैं, अभी हम जाने वाले पाड़ा, तो चलिए पाड़ा हम निकलते हैं। फाइनल दोस्तों हम तो यहाँ से पहुँच चुके हैं इंडियन ऑयल की गैस सेंटर में, तो चलिए आपको मैं विजिट करवाता हूँ यहाँ से अंदर तक। ये देख सकते हो इंडिया ऑयल की गैस सेंटर, सो यहाँ से डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा भाई, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा, चलो वो सारी चीज़ें हम लेके जाते हैं। इंडियन ऑयल गैस, ये देख सकते हो गैस का गाड़ी, जितने सारे लोड बना पड़ा हुआ है। तो फाइनल दोस्तों हम लोग को बुक मिल चुका है, दिखा देता हूँ बुक को, गैस का नया। ये तो नया कनेक्शन नहीं है बट ये ओल्ड कनेक्शन है, बुक जो कि खो गया था इसके लिए हम लोग नया बुक ले चुके हैं, दिखा दो। चलो फाइनली एक के साथ दो काम हो चुका है, और इस साइड से जितने सारे गाड़ी है, चलो हम लोग अभी घर के लिए निकलते हैं। तो हम लोग लाइंस देख सकते हो, बाकी मिस्त्री को नहीं जमने की। तो गाइस घर हम पहुंच चुके हैं, जैसे देख सकते हो अभी थैली भी लेके आ चुके हैं हम घर। हेलो कर दो। तो गाइस यहाँ पर कैमरे के लिए एक जो कि वायर था, क्या बोलता है उसको, कुछ एक वायर था यहाँ पर आ चुका है, जैसे डिलीवरी यहाँ पर आ चुका है, चलो डिलीवरी लेने के लिए हम जाते हैं। चलो तो गाइस हम लोग का आ चुका है, अभी बिंदास कैमरा चलेगा, चलो अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं। इसको दाम पता है 1250 रुपये। चलो ऊपर में जो कि अभी जड़ाई का काम चल रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और अभी देख सकते हो 3 बज चुके हैं और अभी मैं जाने वाला हूँ ऊपर, चलो आपको जड़ाई में कितना काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। मैं तो अभी बाजार गया था और बाजार में जो कि भाई बहुत काम किया, अभी
देखो ना रंग का कलर बहुत बेहतर दिख रहा है इस साइड। चलो भाई आगे जाके देखते हैं। ये भाई लोग अभी सोया हुआ है, देख रहे हो ना, जब भी आते हैं तब भी सोया रहता है। और आज एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया है या नहीं, देख रहे हो ना मिस्त्री का काम, ऐसा ऐसा काम किया है ना भाई, पूछो मत मिस्त्री को। पूरा दिन नहीं था, अभी देख रहे हो ना काम कैसा किया है, एकदम बेकार। चलो यहाँ पर स्प्रिंग जो कि नहीं निकाला हुआ है, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया अभी। सो गाइस आज मैंने काफी ज्यादा काम किया हुआ था, क्योंकि आज जो कि मेरा गैस का जो भूख था ना इंडियन ऑयल का, वो यहाँ पर खो गया था। तो उसी के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे, पिछली बार गया हुआ था तो यहाँ पर बोला था पुलिस में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक दारी देना पड़ेगा, यानी एक चिट्ठी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था। तो हम लोगों ने दिया भी था, फिर भी हम लोगों को बुक नहीं मिला। और आज से लगभग एक दो साल बाद यहाँ पर मेरा गैस का जो बुक था वो फाइनली मैं ले चुका हूँ। इतने दिन से जो हम लोग गैस यूज कर रहे थे ना, पता है ब्लॉक में ले रहे थे, जिसका प्राइस था 958 रुपीस। मैंने अभी जाके वहां पर प्राइस चेक किया गैस सिलेंडर का प्राइस, बट अनफॉर्चुनेटली अभी के टाइम में जो रेट देखा ना भाई, आप सुन के हैरान हो जाओगे, 1050 रुपए, यानी हर एक सिलेंडर के ऊपर 100-100 रुपए का प्रॉफिट एरो मार्जिन कर रहा है, पता है, मतलब लाभ रख रहा है भाई, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। मैं देख के हैरान हो चुका हूँ, 100 रुपए जस्ट एक एक सिलेंडर के ऊपर मार्जिन कर रहा है भाई। डेली का यदि कम से कम 10 सिलेंडर भी ये लोग बेचता होगा ना, तो 1000 रुपए का, एक दिन का 1000 रुपए, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 10 रुपए, कोई तो 20-30 सिलेंडर भी बेच देता है, तो मैं यहाँ पर 10 ही सिलेंडर बोलता हूँ। तो डेली का 1000 रुपए मतलब 30 दिन भी बेचते होंगे तो 30,000 रुपए महीने का, भाई कौन नौकरी करेगा बताओ, महीने का यदि 30,000 रुपए कमाएगा तो। तो चलो, तो फाइनली मेरा वहां पर गैस नया बुक मेरे को मिल चुका था, जैसे आपने ब्लॉग में देख ही चुके होंगे। एंड दूसरी बात था, मैं यहाँ पर गया हुआ था इलेक्ट्रिक ऑफिस, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रिज एसी का कनेक्शन, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा इसीलिए मैं गया हुआ था। तो वो भी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और बोला है सर्वे के लिए अभी लोग भेजेगा, एक महीने के अंदर लोग आ जाएंगे, ठीक है। सो ये रहा कुछ दृश्य, और बाकी ये लोग अभी काम कर रहा है और हम लोग अभी जाने वाला है बाजार। एंड अभी का टाइम जैसे कि देख सकते हो, अभी 7:05 हो रहा है और अभी बाजार से आते हैं, फिर मैं ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलिए हम लोग का सांतालडी का शॉपिंग मॉल, चलो आपको मैं शॉपिंग मॉल दर्शन करवाते हैं, क्या बोलते हो मीठू, शॉपिंग मॉल दर्शन करेगा? अभी यहाँ पर आए नहीं, देख रहे हो ना सांतालडी का शॉपिंग मॉल, ये रहा कुछ दृश्य। बोलो भाई मीठू कुछ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, क्या चाहिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। शॉप की सिर्फ 135 टका ये, और जो नहाने के समय मतलब ये सब काम में आता है। और चिरुनी, एक चिरुनी लिया, और कुछ चाहते हो? शॉपिंग मॉल का शॉपिंग मॉल, बिग शॉपिंग मॉल। तो चलो हम यहाँ से बिलिंग करते हैं, ये रहा कैश काउंटर। तो चलो हम लोग का लेना कंप्लीट हो चुका है भाई, चलो मीठू के लिए और एक सामान देख लेते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं, क्या बोलते हो मीठू? कैसे ये देख सकते हो HTPS का, ठीक है ठीक है, पैकिंग कर दो, हाँ दूटा रोल कर दो। और इस साइड में मेला है, और इस चारों तरफ दुकान ही दुकान आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी तो शायद नहीं दिख रहा है, बाद में सब दिख गया। और छोटा काला दुकान भी बैठ चुका है और अंदर की दुकान है, हम बाइक पार्क कर सकते हैं बट आज नहीं करेंगे, कल उद्बोधन है, उद्घाटन है, क्या हो रहा है। और हम लोग का मिल तो है ही ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि रेकॉर्ड ब्रेक कर लेंगे चुके हैं, और काफी सारा चीजें आधा दूसरों को लेने के लिए, और ये बंदा आधा दूर लेने के लिए गया था, और देख सकते हो ना क्या चीजें लेके आया है, ये देखिए चॉकलेट, ये और क्या चीज है, ये कंगी है, चिरुन, ये कंगी है, कंगी है, कंगी, हाँ मेरे लिए लेके आया है, और एक घुसने के लिए, और एक जामा, और एक जामा लेके आ चुका हूँ बिग बाजार से, पता है बिग बाजार से, बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा जामा है, महंगा देव घाटा है, और ये देव घाटा है, ये बिस्कुट है, और ये देख सकते हो ये है च्यवनप्राश, च्यवनप्राश कटकोटी है, और ये देख रहे हो ना समुद्र, अच्छी चीज है।